अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मुबशर स्पोर्ट्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे PSL की मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के हवाले से। पेशावर ज़ल्मी PSL की वो वाहिद टीम है जो 3 बार PSL का फाइनल खेल चुकी है और 1 बार PSL का टाइटल भी अपने नाम कर चुकी है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी के रिटेन और रिलीज प्लेयर्स के मुतालिक। और बड़े बड़े नामों को पेशावर ज़ल्मी की टीम इस बार बाहर करने वाली है और कुछ नए प्लेयर्स के साथ मैदान में उतरने वाली है PSL 2021 में, और कुछ नए प्लेयर्स नेशनल ड्यूटी की वजह से भी अनअवेलेबल होंगे। तो पेशावर ज़ल्मी की टीम इस बार उनको भी रिलीज़ करने वाली है। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप भी पेशावर ज़ल्मी के फ़ैन हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ में जुड़े बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल की ऐसी ही नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पेशावर ज़ल्मी के रिटेन प्लेयर्स के मुतालिक जिनको पेशावर ज़ल्मी की टीम बरकरार रखने वाली है PSL 2021 में। नंबर 1 पे होंगे कामरान अकमल, नंबर 2 वहाब रियाज, नंबर 3 हसन अली, नंबर 4 डैरन सैमी, नंबर 5 शोएब मलिक, नंबर 6 कायरन पोलार्ड, नंबर 7 हैदर अली और नंबर 8 पे होंगे इमामुल हक। तो अब बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी के रिलीज़ प्लेयर्स के मुतालिक, जहां पेशावर ज़ल्मी की टीम साउथ अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसी, इंग्लैंड के लेम लिविंगस्टन और लेम डाउसन को मिलाकर टोटल 10 प्लेयर को रिलीज़ करने वाली है PSL 2021 में। और अगर पेशावर ज़ल्मी के नए प्लेयर्स की बात करें जिनको पेशावर ज़ल्मी की टीम ख़रीद सकती है PSL 2021 की ड्राफ्टिंग में, जिसमें शामिल होंगे ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर जोश हेज़लवुड, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मिचेल सैटनर और साउथ अफ्रीका के मिडल ऑर्डर बैट्समैन डेविड मिलर। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशावर ज़ल्मी की टीम कन्फर्म तौर पर इन तीनों प्लेयर्स को टारगेट करने वाली है PSL 2021 के लिए। दोस्तों ये थी पेशावर ज़ल्मी के PSL 2021 के न्यू एंड ओल्ड स्क्वाड की मुकम्मल रिपोर्ट। और पेशावर ज़ल्मी के कौन कौन से नए प्लेयर्स को ख़रीदना चाहिए हमें कमेंट में लाजमी बताएँ। आज के वीडियो के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और PSL की ताज़ा अपडेट्स के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।